नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। किसी व्यक्ति के शब्द और भाव अगर मेल ना खाएं तो कई बातों में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और बोलने वाला यदि कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक हो तो उसके भाव और शब्दों का मिलान अगर नहीं होता तो बात दूर तक जाती है, आपत्ति भी जबरदस्त तरीके से होती है। मैं इस समय बात कर रहा हूं बंशीधर भगत की। कालाढूंगी से ये विधायक हैं बीजेपी के। बीजेपी ने इन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, और रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी और पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं बंशीधर भगत। लेकिन अक्सर इनकी जबान फिसल जाती है महिलाओं के मामले में, और भगत साहब का जो शब्द होते हैं वो कई बार इनके भाव से मेल नहीं खाते। बालिका दिवस का एक समारोह चल रहा था हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र में। बंशीधर भगत वहां पर अपना संबोधन कर रहे थे, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग लगातार करते रहे हैं बंशीधर भगत, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो खास तौर पर महिलाओं के निशाने पर आ गए। बात वो महिला सशक्तिकरण की ही कर रहे थे, लेकिन अपने आराध्यों को जिस तरीके से वो संबोधन कर रहे थे उससे उनके भाव प्रकट नहीं हो पा रहे थे, और यही कारण है कि वो निशाने पर आ गए। पहले आप सुनिए बंशीधर भगत ने क्या कहा, उसके बाद इनके पुराने कारनामों का चिट्ठा भी हम आपके सामने बताएंगे। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या, एक शिव जी है वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को फैले ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में डूब रहे हैं, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर दिया। तो आपने सुना, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अपने आराध्य दुर्गा माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम तौर पर पटाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल युवावस्था में या एडल्सेंट एज जिसको बोला जाता है उस समय भी होता है। आमतौर पर एक बुजुर्ग नेता से, बुजुर्ग विधायक से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की जाती, और खास तौर पर जब कार्यक्रम महिलाओं का ही हो। बात भले ही आपत्तिजनक ना कर रहे हो बंशीधर भगत, लेकिन उनके शब्द और उनके भाव आपस में मैच नहीं हो रहे थे, और यही बात हम कह रहे हैं। अपने आराध्यों को जब पुकारा जाता है, उनका संबोधन किया जाता है, तो उसी तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छिछोरों की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक विधायक के द्वारा। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। इस बात को लेकर आपत्तियां हुई हैं, कई संगठनों ने आपत्ति जताई है विधायक के इस बयान पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए, वो भी काफी नाराज हैं बंशीधर भगत की बातों से। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया वो अक्षम्य है।
मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सबकी भावनाओं को आहत किया है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बंशीधर भगत के मुंह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। चुनाव के वक्त एक ऑडियो वायरल हुआ था, कई लोग ये दावा कर रहे थे उस ऑडियो में आवाज बंशीधर भगत की है, वो एक महिला से बात कर रहे थे और पूरे जिस युवा अवस्था की बात होती है, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात होती है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उस ऑडियो में सुनाई दे रहा था। हालांकि बंशीधर भगत की तरफ से बार बार नकारा गया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, और हम भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनकी नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान इस बात की खूब चर्चा थी कि ये ऑडियो बंशीधर भगत का है और एक महिला मित्र से वो बात कर रहे थे, आपत्तिजनक शब्दों का भी उसमें इस्तेमाल हुआ था। चुनाव के समय पर कांग्रेसी जो कैंडिडेट थे उन्होंने खास तौर पर इस ऑडियो को प्रचारित करने की कोशिश की थी, हालांकि जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ और एक बड़े अंतर से बंशीधर भगत चुनाव जीत गए। एक और वाकया है, आमतौर पर एक दूसरी पार्टी में काम करने वाले लोग या जो नेतागण होते हैं वो ये दावा करते हैं कि आपकी पार्टी के कई विधायक, कई मंत्री, कई सदस्य, कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हल्द्वानी की एक तेज तर्रार नेता हुआ करती थी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदेश। इंदिरा हृदेश ने एक बयान दिया कि आपकी पार्टी के लोग हमारे संपर्क में हैं, आपके लोग हमारे संपर्क में हैं। ये बात वो कह रही थी बीजेपी के लिए। एक कांग्रेसी नेता दावा कर रही थी कि बीजेपी के कई लोग उनके संपर्क में हैं। उसकी प्रतिक्रिया देते हुए बंशीधर भगत ने कहा, अरे बुढ़िया, तेरे साथ अब इस समय कौन संपर्क कर रहा होगा। बात भाव और शब्दों की है। सीधा मतलब यह हो सकता था कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कौन तुम्हारी पार्टी से संपर्क कर रहा होगा। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक बुजुर्ग नेता के शब्द नहीं हो सकते थे या नहीं होने चाहिए थे। उस पर भी काफी हंगामा हुआ था। लेकिन खैर, ये बात बंशीधर भगत की है, वो एक संस्कारी पार्टी में होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, लेकिन अपनी जबान के कारण वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी बातें जब होती हैं तो चर्चा जरूर होती है, उनकी जबान जब फिसलती है तो आमतौर पर महिलाओं के संदर्भ में ही फिसलती है, इसलिए वो निशाने पर थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अगर इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।